आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सीएम योगी 3 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखपुर विकास प्राधिकरण की विश्व स्तरीय सुविधाओं वाली खोराबाट टाउनशिप और मेडिसिटी की लॉन्चिंग की है। साथ ही उन्होंने 172 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण भी किया। बता दें कि सीएम ने परिसर में जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के तत्वरित निवारण हेतु निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने खड्डा तहसील में आयोजित समारोह में 422 करोड़ की लागत से 329 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1546 करोड़ की लागत से 461 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। विकास की प्रक्रिया को आधुनिक तरीके से आगे बढ़ाने वाले प्रगतिशील किसानों के कारण कुशीनगर जनपद की अपनी एक पहचान है। और भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं, तो मुझे रामनवमी के एक दिन पहले किसी भी संवेदनशील सरकार की पहचान इसी बात से की जा सकती है कि विपत्ति में सरकार आपके साथ खड़ी थी। आवासीय सुविधा का लाभ हर एक नागरिक को प्रदान किया जा रहा है और कुशीनगर जनपद तो सर्वाधिक मुसर बहुल्य जनपदों में से एक है। मुसर जाति के लोगों के पास जमीन के पट्टे नहीं, आजादी के बाद अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर कभी अपनी जहां पे पुश्तैनी मकान बना हुआ है उस मकान पर उनका अधिकार नहीं था, उस मकान की जमीन पर उनका अधिकार नहीं था। आज 60 लाख परिवारों को जब उनके स्वामित्व का लाभ दे दिया गया है, अब वे चाहे तो उस घरौनी के माध्यम से लोन लेकर के अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता है। अगर कल कभी मकान को नए सिरे से उनको बनाना होगा, कोई उनको रोक नहीं सकता है, वे आसानी से अपना मकान बना सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच राहुल गांधी की सदस्यता और अडानी मुद्दे को लेकर घमासान बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और राहुल गांधी के जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सोचते हैं कि वो कानून और संविधान से ऊपर हैं, उनके अहंकार के कारण ही उनकी सदस्यता रद्द हुई है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी अपने आप को सारे इंस्टीट्यूशन से ऊपर समझते हैं। जो इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे वो ये बताएं कि जब संविधान के अनुसार सरकार को चलाने का गवर्नेंस का एक मॉडल बना हुआ है, एक व्यवस्था बनी हुई है, तब क्या एक पैरेलल पीएमओ बनाना एनएसी के नाम पे क्या वो इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्शन की बात थी? तो साथियों, मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि मिस्टर राहुल गांधी अपने अहंकार के कारण डिस्क्वालीफाई हुए हैं। मिस्टर राहुल गांधी ओबीसी समाज को जो अपमानित किया उन्होंने, उसको कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके जो फैसला किया, मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो इन सब कोर्ट से, संविधान से, पार्लियामेंट से, इन सब से ऊपर है। मिस्टर राहुल गांधी, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने अमेरिकन एम्बेसी के मिनिस्टर काउंसलर ग्राहम डी मेयर से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने और निवेश को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में बेहतर राजनीति और स्थायित्व और अच्छी कानून व्यवस्था है। साथ ही प्रदेश की GDP भी बढ़ी है। वहीं बता दें कि ये विश्व समुदाय को उत्तर प्रदेश के साथ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने का अच्छा अवसर है। देश और प्रदेश के प्रति वैश्विक धारणा बदलने से निवेशकों को भी फायदा मिलेगा। हमीरपुर में समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का पार्टी पदाधिकारियों ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक लेकर निकाय चुनाव में तेजी से जुटकर जिले की निकाय की 7 सीटों को जीतने का दावा किया। पार्टी ने इदरीश खान को जिलाध्यक्ष बनाया। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष राज बहादुर पाल को लोकसभा प्रभारी बनाकर 2024 की तैयारी भी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी जमीन में काम करने वाली पार्टी है।
और सबसे पहला हमारा लक्ष्य है कि पूरी ताकत के साथ हमीरपुर जनपद की सातों सीटों पर निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी दमखम से लड़ेगी। कार्यकर्ता तैयार है पूरी तरह से। हमारा पहला लक्ष्य है, हमारा मानना यह है कि लोकसभा 2024 का ये सेमीफाइनल, इस सेमीफाइनल में सात के सातों सीटें पूरी तरह से हमें फतेह करना है। हमारी पूरी तरह कंप्लीट तैयारी है। हमारी पार्टी के सम्मानित नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण पूरी तरह से योजना तैयार है। हम लोग इस पर लड़ेंगे। जनपद अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र स्थित अरबिया मुक्ताहुल उलुल मस्जिद के मौलाना ने मस्जिद में पढ़ने वाले एक 14 वर्षीय बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाते हुए दुष्कर्म किया। इसकी सूचना मिलते ही परिवार सहित आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मौलाना की पिटाई की, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौलाना को गिरफ्तार किया और बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजते हुए आगे की कार्यवाही शुरू की है। वहीं इस पूरे मामले पर नगर पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी मौलाना के खिलाफ मौके से हिरासत में लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। आज थाना रोरावर पर एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें वादी के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसके नाबालिग 14 वर्ष के पुत्र के साथ, जो कि थाना रोरावर स्थित एक मदरसा जिसका नाम अरबिया मुफ्ता उलूम है में पढ़ता था, और वहाँ कल रात्रि को उसके साथ वहीं पे पढ़ाने वाले मौलाना नुमान सनौफ साकिम अली निवासी मुजफ्फरनगर के द्वारा दुष्कर्म किया गया। इन आरोपों के संबंध में छात्र का मेडिकल कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी मौलाना नुमान को पुलिस ने हिरासत में लिया है तथा इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।